जोगिंदरनगर में कांग्रेस की बैठक में पधारे प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने संबोधन में बोला कि कांग्रेस कमजोर नहीं बल्कि टुकड़ों में बंटी है, जिसकी वजह से आज जोगिंदरनगर में पिछले 15 सालों, धर्मपुर में 30 सालों तथा पांवटा साहिब में भी पिछले 15 सालों से जीत नहीं पाई है। राठौर ने कहा कि 5 दिनों के भीतर वे पूरे जिला मंडी का दौरा करेंगे, जिसमें सभी ब्लॉक की बैठक में जाकर आने वाले उपचुनावों के बारे में कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली जाएगी। साफ शब्दों में कहा है कि बैठक में टिकट नहीं बांटे जाते, इसलिए सभी नेता और कार्यकर्ता एक साथ होकर पार्टी का काम करें। बैठक में पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल ने मंच संभाला तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे और अपने नेता से बहसबाजी करने लगे। सारा दृश्य प्रदेशाध्यक्ष राठौर, जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह के सामने हुआ। बातें रखी हैं, मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो क्षेत्र है जोगिंदरनगर, हम लगभग 15 साल से यहां जो है हम बाहर हैं, और यही बात हमारे सरका घाट में भी है, वहां भी काफी समय से हम बाहर हैं, धर्मपुर में भी यही स्थिति है, वहां तो 30 साल से हम बाहर हैं, और प्रदेश में एक दो और भी हैं, कुटलैंड है, वहां भी हम काफी अरसे से जीत नहीं रहे, पांवटा साहिब में हम काफी अरसे से जीत नहीं रहे। हमारे प्रदेश में 6-7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी वहां कमजोर है तो मैं ये मानने को तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में बंटी है। यही कारण है कि हम बार बार चुनाव हारे हैं। अगर सारी ताकत हम मिलकर संगठन की मजबूती के लिए लगाते हैं तो कोई कारण नहीं कि इन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी चुनाव ना जीते। मैं तो जाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलता है, और आज तो टिकट की बात ही नहीं है। एक साल, लगभग 1-1.5 साल का समय बचा है, हम भी जाने का प्रयास करें कि कौन मजबूत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जोगिंदरनगर से दीपक चौहान की रिपोर्ट।